मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि भारत में स्थित माँ तारा के दिव्य धाम तारापीठ के बारे में एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये एक ऐसा दिव्य धाम है जहाँ आपके सारे दुख तकलीफ और समस्त बाधाओं का नाश होता है। ये मैं यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूँ कि खुद मैंने भी इस अति पवित्र तारापीठ में स्थित माँ तारा के दर्शन किए हैं, और मैंने जो अनुभव किया वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस इतना ही कह सकता हूँ कि आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफें हैं उन सभी का समाधान तारापीठ में स्थित माँ तारा के पास है। माँ तारा का दिव्य धाम तारापीठ पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थलों में से एक है। यह पीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला में स्थित है। बंगाल के इतिहास में वीरभूम जिला एक विख्यात जिला है। तारापीठ की महिमा है कि जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ देवी का ध्यान करके यहाँ मुरादें मांगता है वह जरूर पूर्ण होती है। देवी तारा की सेवा और आराधना से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। इस स्थान पर साकाम और निष्काम दोनों ही प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। राजा दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि ने वीरभूम से जुड़कर इतिहास में इस भूमि की शान बढ़ाई, इसीलिए वीरभूम जिला हिंदू वाम मार्गियों का महातीर्थ बना। यहाँ पर स्थापित वशिष्ठ मुनि के सिंहासन पर अनेकों साधकों ने अपनी सिद्धियां प्राप्त की है, परंतु वशिष्ठ जी के लिए माँ तारा की कृपा प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। उन्होंने माँ को पाने के लिए चिरकाल तक तपस्या की, पर फिर भी वे माँ तारा की कृपा प्राप्त कर पाने में असमर्थ रहे। फिर बाद में जाकर उन्हें माँ को पाने की विधि प्राप्त हुई। इस संबंध में एक प्रचलित पौराणिक कथा है। सतयुग में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ को तारा मंत्र की दिशा दी तथा मंत्र सिद्ध कर तारा कृपा लाभ प्राप्त करने की आज्ञा दी, जिससे तारा साधना पद्धति का सभी साधकों को पता चले। पिता की आज्ञा अनुसार वशिष्ठ मुनि ने सर्वप्रथम नीलांचल पर्वत पर जाकर देवी तारा की साधना करने में जुट गए। सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने देवी तारा की वैदिक रीति से चिरकाल तक तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई, जिस कारण विरक्त होकर उन्होंने तारा मंत्र को ही श्रापित कर दिया। ठीक उसके बाद आकाशवाणी हुई कि वशिष्ठ, तुम मेरी साधना के स्वरूप को नहीं जानते हो, इसीलिए तुम बुद्ध मुनि से मिलो, उनसे मेरी साधना का सही और उपयुक्त क्रम जानकर मेरी आराधना करो। उस समय केवल भगवान बुद्ध ही इस विद्या के आचार्य माने जाते थे। तत्पश्चात वशिष्ठ मुनि भगवान बुद्ध के पास गए और जो उन्होंने देखा वो हैरान कर देने वाला था। बुद्ध मुनि मदिरा, मांस, मत्स्य और नृत्य करते हुए नर्तकियों से आस्तक थे। यह सब देखकर वे खिन्न होकर वहां से वापस लौटने लगे। लौटते हुए मुनि को देखकर भगवान बुद्ध ने उन्हें रुकने के लिए कहा, और जब वशिष्ठ मुनि ने पीछे मुड़कर देखा तो वे चकित रह गए। बुद्ध मुनि शांत ध्यान योग में आसन लगाकर बैठे थे, उसी तरह नर्तकियां भी योग आसन लगाकर बैठी थी। मदिरा, मांस, मत्स्य आदि सभी सामग्री पूजन सामग्री में परिवर्तित हो चुकी थी। बुद्ध मुनि अंतर्यामी थे तथा उन्होंने वशिष्ठ मुनि को उपदेश दिया कि बैद्यनाथ धाम से 10 योजन पूर्व, वक्रेश्वर से 4 योजन ईशान, जाह्नवी से 4 योजन पश्चिम, उत्तर वाहिनी द्वारका नदी के पूर्व में सती के ऊर्ध्वनयन तारा ज्ञान रूपी नेत्र स्थापित है। उस स्थान पर वे सर्वप्रथम पंचमुंडी आसन बनाकर उस स्थान पर तारा मंत्र का 3,00,000 बार जाप करें, साथ ही पंचमाकर विधि से पूजा करने पर तुम माँ की कृपा प्राप्त कर उनके साक्षात दर्शन कर सकते हो। वशिष्ठ मुनि जी ने बुद्ध मुनि के मार्गदर्शन अनुसार सर्वप्रथम उत्तर वाहिनी द्वारका नदी का संधान किया। उसके बाद उन्होंने वहां श्वेत सुमल वृक्ष के नीचे पंचमुंडी आसन निर्माण किया तथा क्रम अनुसार माँ की पूजा आराधना साधना की एवं 3,00,000 तारा मंत्र का जाप किया। फलस्वरूप देवी तारा ने उन्हें सर्वप्रथम एक उज्ज्वल ज्योति बिंदु के रूप में दर्शन दिए तथा उनसे पूछा कि तुम किस रूप में मेरे दर्शन करना चाहते हो। वशिष्ठ मुनि जी ने कहा, आप जगत जननी है, मैं आपके जगत जननी रूप में ही दर्शन चाहता हूँ। इस निवेदन पर भगवान शिव को बालक रूप में अपना दुग्ध स्तन पान कराते हुए देवी तारा ने वशिष्ठ मुनि जी को दर्शन दिए। माँ तारा के इस रूप के पीछे भी कथा प्रचलित है, जिसे हम आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे। देवी तारा ने वशिष्ठ मुनि जी से वर प्राप्त करने हेतु कहा, जिस पर मुनि ने उत्तर दिया, आपके दर्शन ही मेरे लिए सर्वप्रिय है,
आप अगर कुछ देना चाहती हैं तो यह वर प्रदान करें कि आज के बाद इस आसन पर कोई भी साधक आपके मंत्रों को 300,000 जप कर सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। यह निवेदन सुनकर देवी माँ ने वशिष्ठ को इच्छानुसार वर प्रदान किया तथा जिस रूप में देवी तारा ने वशिष्ठ मुनि को दर्शन दिए थे उनका वह स्वरूप शिला या पाषाण में परिवर्तित हो गया। देवी माँ को वशिष्ठ आराधिता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने ही उनकी आराधना की थी। आज भी तारापीठ महाशमशान में स्थित पंचमुंडी आसन पर बैठकर जो साधक 300,000 तारा मंत्र का जाप करता है देवी माँ उसे दर्शन देने में बाध्य है। माँ तारा के प्राचीन मंदिर का निर्माण वशिष्ठ जी ने करवाया था पर समय के साथ वह प्राचीन मंदिर धरा की गोद में समा गया। वर्तमान में जो तारा मंदिर आप देखते हैं उसका निर्माण एक माँ के भक्त जयव्रत ने करवाया था जो पेशे से कारोबारी थे। उनका इस अंचल में लंबा चौड़ा व्यापार फैला हुआ था। शमशान होने के कारण तारापीठ का यह क्षेत्र सुनसान हुआ करता था। भय से लोग इधर बहुत कम ही आते थे। विशेष दिनों में इक्का दुक्का साधक इस ओर आते जाते दिख जाया करते थे। व्यापार के सिलसिले में जयव्रत को प्राय इस क्षेत्र से गुजरना पड़ता था। एक बार जयव्रत को पास के गांव में रात्रि विश्राम हेतु रुकना पड़ा। ब्रह्म मुहूर्त में जयव्रत को स्वप्न में माँ तारा के दर्शन हुए। माँ तारा ने आदेश दिया कि शमशान की परिधि में धरती के नीचे ब्रह्मशिला गड़ा हुआ है, उसे उखाड़ो और वहीं पर विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करो। स्वप्न में प्राप्त आदेश के अनुसार जयव्रत ने ब्रह्मशिला को उखरवाया और वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाकर माँ तारा की भव्य मूर्ति स्थापित की। मातृरूपा माँ तारा की मूर्ति दिव्य भाव लिए हुए है। माँ तारा ने अपने वाम बाजू में शिशु रूप में शिव जी को लिया हुआ है। शिव जी माँ तारा के वाम स्तन से दुग्धामृत का पान कर रहे हैं और माता के स्नेह सिक्त नयन अल्पक शिशु शिव जी को निहार रहे हैं। कहते हैं समुद्र मंथन से निकले विष का देवादिदेव भगवान शिव जी ने पान कर सारे संसार की रक्षा की थी। विष पान के प्रभाव से भगवान शंकर को उग्र जलन व पीड़ा होने लगी। कोई उपाय ना था, तब माता ने शिव जी को बालक रूप में अपना कर अपना स्तनपान करवा कर उन्हें कष्ट से राहत दिलाई। इसीलिए माँ को तारिणी भी कहते हैं। दोस्तों, तारापीठ के संबंध में और भी कई ऐसे रहस्य और भाव विभोर कर देने वाली बातें हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के दूसरे भाग में बताएंगे, जिसमें आप जानेंगे माँ के अनन्य भक्त बामा खैपा के बारे में कि कैसे उन्होंने माँ तारा के दर्शनों के लिए अपना पूरा जीवन माँ को समर्पित कर दिया था। वे कैसे महज 5 वर्ष की आयु में माँ तारा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर अपने बालों को उखाड़ कर मिट्टी से बनी माँ तारा की मूर्ति पर लगा दिया करते थे। उनको माँ के दर्शन कैसे हुए, यहाँ तक कैसे पहुँचे, कहाँ ठहरे और भी कई ऐसी बातों को बताएंगे जिससे आपको भारत में स्थित इस दिव्य धाम के बारे में अनुभव हो जाएगा और आप भी माँ के इस दिव्य धाम में आने का मन बनाएंगे। इस वीडियो से जुड़े कुछ सवाल अगर आपके मन में है तो हमें कमेंट बॉक्स में निस्संदेह पूछिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।